जब हम छोटा रहे तो हमें पढ़े की बहुत ज़्यादा मन करत रहे, और हम इतना तक कि जब हम 2-2.5 वर्ष के ही रहे तो हमारे घर के नज़दीक ही एक क्रस फॉलो चलत रहे, और हम वो क्रस फॉलो में जब जाए लागे तो एक साल के बाद जो रिजल्ट आवला वो रिजल्ट में हमारे तृतीय स्थान हासिल भेल, हम करे सफल भेल रहे, तो वो चीज़ देख के हमार अम्मा पापा हमार नाम इसकुल में लिखा दिए, तो हम इसकुल बराबर जाए लागे, और इसकुल जा बराबर जाए लागे तो हमार पढ़ाई भी एकदम अच्छा रहे, एकदम ना एकदम ज़्यादा कमजोर और ना ही एकदम हाई भी नहीं रहे। प्रथम तृतीय स्थान के लिए हम कौन न कौन स्थान हर एक वर्ष ले आते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमार उम्र बढ़त गए हमल के समुदाय में बढ़वा लड़की के स्कूल में पढ़े वाला चीज़ के गलत रूप में ले नाते हमार पढ़ाई भी हमार घर परिवार छात्र छिमेक की नज़र में धीरे धीरे वो गलत हो चल गए, और जब हम 8th क्लास में पुगे तो हमार घर परिवार में हमार शादी के बाद की भी चर्चा चले लागल, वो चीज़ देख के हमें एकदम हमें दुखी लागा, हमें ऐसा महसूस भे कि हमार पढ़ाई लागल कि अधूरा ही रह जाए, हमार सपना पूरा ही ना हो पाए, जैसे हमें एकदम अच्छा नहीं लागा। लेकिन से फिर हमार आत्मा कहा शशिकला एक बेर जाके अपन अम्मा पापा से एक बार तू फुसलाए की कोशिश करा, उन्हें अपचन के मनावे की कोशिश करा, शायद मान जाए। वो चीज़ सोच के हम अपन पापा से तो ना कह पैली पर अपन अम्मा से जाके ये बात कह रही कि अम्मा हमार पढ़ाई अच्छा बा, हमार अपन क्लास में भी हर एक साल कुछ ना कुछ जरूर आएगा, तो हम पढ़े चाहती हमार सपना बा मगर पूरा करे के साथ दे क्योंकि हम इतना बार जब अपन अम्मा पापा से कहें तो बहुत प्रयास करला के बाद हमार अम्मा पापा लोग ये बात मान गए, और उस समय हम बहुत खुश रहे, हम तो बहुत भाग्यमानी रहे कि हमारे अम्मा पापा मान गए और हमार नाम लिखा दें फिर से 9th क्लास में पढ़े के लिए। लेकिन उन्हें हमें एक दुख भी लगा, हमार संग रही कितना लड़की हमारे संग लड़की संग रही लोग पढ़त रहे और वो लोग 8th क्लास में छोड़ दी, 8th क्लास पढ़ के कौन पे शादी हो गए अपन अपन घर है, और एक दो जना हमारे संग रही लोग तो उन सब गर्भावती भी हैं जो कि हमारे साथी ही हो हमारे ही उम्र के हैं, वो चीज़ भी हमें दुखी लगा। लेकिन से हम फिर जब हम स्कूल गए तो वो स्कूल में भी हमारे एकदम वातावरण रहा हमें एक्को अच्छा नहीं लगा, और वहाँ भी हमें सुरक्षा रहा जैसे हम एक्को दाना महसूस नहीं भे, वहाँ जाओ तो वहाँ पर हमारे लड़का साथी लोग जो रहे वो साथी लोग लड़की लोग के चाहे जहाँ छुई दें गरिया में चाहे जो बात कही दें बाल पकड़ के तान दें, और ऐसे भी एकदम हमारे लड़की लोग एकदम अच्छा न लगना किस्म के व्यवहार करत रहे, और वो चीज़ हमों के वो चीज़ की शिकार हम भी होते रहे, एक वजह से हमें पढ़ाई के ऊपर हमारा चाहना रहे चांसो रहे वो एकदम दिन प्रतिदिन घटते चला गए, और हमें जैसे लगा कि हमारा सपना अधूरे ही रह जाए जैसे हमें महसूस हो लगा, और उन्हीं में उतना हमारे साथ तो पढ़ाई के ऊपर जब चाहना रहा घटते जा रहा उन्हीं में ध्यान एक हमार समस्या का आगे कि हम स्कूल में ही मेंसुरेशन हो गए, जब मेंसुरेशन भे तो हम एकदम ही ज़्यादा डराए गए, और दौड़ा दौड़ा जाके अपन वहाँ के मैडम से हम सैनिटरी पैड मांगे, तो मैडम जी का कहें कि स्कूल में ऐसा कौन भी व्यवस्था नहीं बा तू चुपचाप घर जा सकल हो कहीं कहीं, तो हमें अपन और जो थर्ड पीरियड है वो भी पढ़े की इच्छा रहे हो तो भी फिर हमारे पास कोनो दूसर उपाय भी नहीं रहा जेकर वजह से हम चुपचाप घर चल गए। बिहान पार फिर स्कूल आए के लिए सोचे लागे तो स्कूल जाएँ करके पढ़े की तो मन बहुत ज़्यादा बा, फिर सोचे लागे तो उस स्कूल में जाए तुम्हार अच्छा टॉयलेट नहीं बा, टॉयलेट इतना गंदा बा कि वहाँ जाए के लिए 100 बार सोचे करिए, और चल भी गए कैसो जैसो तो वहाँ न तो चुपकुन बा न तो डस्टबिन बा न तो पानी बा, वैसा अवस्था रहे नाते से हम स्कूल नहीं गए, जब तक हमारा मेंस्ट्रुएशन पीरियड था तब तक हम स्कूल नहीं गए, और ऐसे ही हर एक महीना में हमारे 5 दिन 7 दिन गैप हो पढ़ाई हमारे छूटत चल गए, इस वजह से हमारे गए वर्ष के रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आवा,
हमारे चित्त बुझना किसी के हमारे रिजल्ट ना आवा। और घर में भी लड़की लोग के ज्यादातर पहले पढ़ाई बाद पहले काम बाद में पढ़ाई रहे वाला सोच रहे नाते हमारे गैल वर्ष के रिजल्ट अच्छा ना है। और ऐसे नहीं हमारे घर के नजीक ही एक हुआ करना रही जो उनके हमसे सिर्फ 3 वर्ष की बड़ी रही। उनके शादी कब भई हमें तो खुद पता ही ना है, पर जब 8 क्लास पास करी तो उनके घर उनके ससुराल वाले गौना मांगने लगे। उनका ससुराल वाले गौना मांगना थे बेटी बोझ हो महतारी बाप के लिए बेटी सर के बोझ हो जल्दी से गौना देके पढ़ा दे लेते बोझ हल्का हो जाए कहना सोच रहे नाते से उनके घर के अम्मा पापा लोग भी उनके गौना दे दिए। और जब वहाँ पर घरे गए तो उनके घर में 1-2 महीना तो ठीक रहे अच्छा रहे वो लोग अमीर भी रहे काफ़ी। लेकिन से जब 1-2 महीना बाद उनके का दहेज तोड़ दादा ज़्यादातर अधी भैंस और चीज़ जैसे दहेज के नाम पे वो नहीं मारें पीटें गरियावें हरदम घर से मार के ला के आधा राही में छोड़ के चल दें जो अपन घर से दहेज लेके आइए तो ही घर में रहिए कहके उन्हें बहुत ज़्यादा दुख दिए लागे। खाना खा लागे तो बर्तन माँजे के बाद कपड़ा धोए के बाद कहके उन्हें हमेशा टेंशन देते रहे एक से एक टेंशन देते रहे। यहाँ तक कि जब उन गर्भवती रहें तो 7-8 महीना के गर्भ रहत रहत भी उनसे गोबर बड़का बड़का खेत में ले जाके गोबर फेंकवाएँ और उनके समय पे जांच नहीं कराएँ और काम तो जितना कराओ करे पे करें और उन्हें में जान खाए टाइम पे भी सुता अच्छा खाना नहीं रहे और उनका टेंशन पे टेंशन बढ़ते चल जाते हैं दूध हो गया। और बच्चा देख समय पे भी ऐसा जैसे तो मौत के मुँह से निकल के आके वो बच भी गए। और उनके अवस्था आप देखा ले तो साल भर में 2-4 दिन ही रात हुई और अच्छा से राहत हुई है खुश राहत हुई और स्वास्थ्य राहत हुई। तो हर एक दिन कबो सर दुखाता कबो पेट दुखाता तो कबो का ऐसे में उनके बहुत ज़्यादातर उन्हें दुख दर्द झेलने पड़ता। और ऐसे नहीं तो हमारे के गांव के नज़दीक ही के तो चाची पर नहीं रही और हमारे नातेदार पड़त रही उनके छोट उम्र में शादी हो गई है। और छोट उम्र में शादी हो गई ना तो जब हम अपन घर गए तो परिणाम स्वास्थ्य के बारे में बच्चा जन्म नहा के कितना दिन पे बच्चा जन्माई कैसे कितना देख देख करे पड़ करके कोनो जानकारी न रहे को जैसे उन हर एक साल साल में बच्चा जन्मावत गए। और जब तीसरा बेर उनके गर्भ रहा तो वो बेर 2 बच्चा रहे उनके पेट में तो बच्चा दिए समय पे न तो उन ही बचे न तो उनके बच्चा ही बचल ठीक है दोनों जना मर गए। और उन लोग के उनके बच्चा के भी भविष्य जो 3 बच्चा रहे वो बच्चा के भी भविष्य बर्बाद हो मैंने अवस्था पे आ गया। और ये तो हो गए और वो तो मर गए उनके कहानी ख़त्म हो गए। पर फिर भी ऐसे नहीं बल्कि ज़्यादातर हमारे के मधेसी एरिया और ज़्यादातर औरत ऐसे दुख दर्द से पीड़ित थी। और हमल के समाज में तो मधेसी एरिया में और भी कबक गौना कराए के सिस्टम बा हमल के लड़की लोग के महतारी बाप के का सोचा ना कि लड़की पराया धन हो कह के उनके देख देख नहीं करिए पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिए और ससुराल वाले कहिए हमारी बेटी ना हो कह के उनके ऊपर अत्याचार करिए। तो उस समय पे लड़की लोग कहाँ जाएँ वो लोग के तो घर ही नहीं बा न घर के न घाट के। ऐसे नहीं ज़्यादातर हमल के देश के कि आधा ज़्यादा हमल के लड़की है तो आधा ज़्यादा आदमी लोग गांव में ही रहना है। ऐसे नहीं ज़्यादातर दुख दर्द से एकदम झेलन ज़्यादातर लड़की लोग दुख दर्द से पीड़ित थी। एक तो हमने स्कूल जाए भी नहीं पा रहा था लड़की लोग हमल के स्कूल ही ना जाए भी रहा कैसो जैसो घर से झगड़ा करके फुसला फका के स्कूल पुख भी गए गए तो वहाँ हमल के लाइफ वातावरण नहीं बा का हमल का लड़की वाले का परिभाषा ये हो। लड़की लोग सुरक्षा महसूस करें कह के
घर परिवार विद्यालय समाज के निर्माण का